हेलो दोस्तों दोस्तों अगर आपने भी अपने सवालों को गूगल पे सर्च किया होगा तो आप Quora.com से वाकिफ होंगे, क्योंकि आपको अपने बहुत से सवालों का जवाब इसी वेबसाइट पे मिला होगा। और ये जानकर आपके दिल में एक बार तो ये जरूर आया होगा कि ये Quora है क्या। तो चलिए आज मैं Quora के बारे में ही आपको बताऊंगा, पर आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकन भी दबाएं ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्पिरेशन हिंदी में आज हम बात कर रहे हैं Quora की। Quora एक क्वेश्चन आंसरिंग वेबसाइट है जहां के यूजर्स क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, एडिट और ऑर्गेनाइज भी करते हैं। और ये वो यूजर्स होते हैं जो काफी एक्सपीरियंस होते हैं और आपको हर क्वेश्चंस का आंसर डेप्थ में मिलेगा। तो अगर अगली बार से आप भी जानना चाहें किसी भी क्वेश्चन के बारे में तो आप यहां पर जाके उस क्वेश्चन को पूछिए या सर्च कीजिए, आपको उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। तो अब बात आती है ये शुरू कब हुआ और कैसे हुआ। इसके फाउंडर है एडम डी एंजेलियो और चार्ली चीवर, जो कि पहले फेसबुक में भी काम करते थे। फेसबुक के शुरुआती दिनों में उन्हें एक आइडिया आया क्वेश्चन और आंसर वेबसाइट का, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन Quora के रूप में हुई। तो Quora जून 2009 में स्टार्ट हुआ है और ये Quora INC कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है, जिसका मेन और हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है। पब्लिक के लिए इस वेबसाइट को जून 21, 2010 में लॉन्च किया गया और इसका स्लोगन भी है द बेस्ट आंसर टू एनी क्वेश्चन। आपको अपने हर सवालों का जवाब यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ की कम्युनिटी काफी एक्टिव कम्युनिटी में से है, आपको ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। इतने सारे क्वेश्चंस और आंसर होने के बावजूद Quora कभी स्लो नहीं हुआ। क्या आपने भी सोचा है ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। Quora पाइथन और सी लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन स्टेबिलिटी और हाई परफॉर्मेंस के लिए बाद में सी को C++ में चेंज कर दिया गया। और अपनी बेहद ही अच्छी स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पर बहुत सारे यूजर हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें तो Quora पे 190 मिलियन मंथली विजिटर्स हैं, जो कि अपने सवालों का जवाब ढूंढने वहाँ पर आते हैं। Quora के US में 40 मिलियन यूजर्स हैं और इंडिया में 15 मिलियन। आपको काफी लोग इंडिया से Quora पे मिल जाएंगे। Quora पे 400,000 टॉपिक है जहां आंसर को कैटेगराइज किया गया है और इससे क्वेश्चन ढूंढने में आसानी होती है। Quora का 60% ट्रैफिक मोबाइल से आता है, लेकिन जब ये शुरू हुआ था तो ये सिर्फ वेबसाइट ही था। मोबाइल में ऐप काफी टाइम बाद आई। ऐप स्टोर पे सितंबर 29, 2011 में Quora की पहली ऐप को लॉन्च किया गया और वहीं अगले साल सितंबर 5, 2012 में ये प्ले स्टोर पर भी आई। Quora के फाउंडर एडम डी एंजेलियो की बात करें तो वो और मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के को फाउंडर है, दोनों कॉलेज के अच्छे दोस्त हैं। और फेसबुक के शुरुआती दिनों में एडम डी एंजेलियो ने फेसबुक में काम भी किया है और ये उन चार लोगों में से एक है जिन्होंने फेसबुक बनाया। वैसे तो Quora पे यूजर्स गूगल के थ्रू आते हैं, लेकिन आप Quora पे अपने रियल नेम से भी आईडी बना सकते हैं या फिर फेसबुक, गूगल या ट्विटर से भी लॉगिन कर सकते हैं। और इस चीज को हम ओपन आईडी प्रोटोकॉल कहते हैं, जो कि Quora ने बहुत ही अच्छी तरह यूज की। और यहाँ पर फेक आईडी वाला कोई सिस्टम नहीं है। जो भी आंसर आप पढ़ेंगे ऑथोराइज्ड आईडी से दिए हुए आंसर होंगे, तो स्पैमिंग का परसेंटेज यहाँ पर बहुत ही कम है। फेसबुक की तरह नहीं है जहाँ पर फेक आईडी की भरमार है। अगर एल्गोरिथम की बात करें तो गूगल के पेज रैंक सर्च की तरह ही Quora का भी एक एल्गोरिथम है, जो कि आंसर्स को रैंक करता है और आपको बेस्ट आंसर शो करता है। अगर कुछ ऑपरेशंस की बात करें तो Quora वर्ल्ड की बेस्ट वेबसाइट्स में से एक है, जहां पर आपको क्वेश्चंस को काफी अच्छी तरह कैटेगराइज करके दिखाया जाता है और आपको भरपूर नॉलेज भी मिलता है। सो इसके ऑपरेशंस कुछ इस तरह है। होम फीड, जिसमें आपको आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आंसर्स मिलेंगे। डेली डाइजेस्ट, जहां पर आपको रोज ईमेल आएगा जिसमें बेस्ट आंसर लिखे होंगे और आप ईमेल के थ्रू Quora की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तीसरा है रिलेटेड क्वेश्चंस का, जहां पर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कुछ क्वेश्चंस के सेट्स मिलेंगे, आप नेविगेट करके उन रेलेवेंट आंसर को पढ़ सकते हैं।
और चौथा है आस्क टू आंसर। दोस्तों ये बहुत ही कमाल का फीचर है जो मैं भी यूज करता हूँ। आप कोई भी आंसर पूछ सकते हैं किसी से भी जो कोरा की कम्युनिटी में एग्जिस्ट करता है, या आप उनको आंसर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको आंसर मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोरा पे फेक आईडी का कोई सिस्टम ही नहीं है, जेन्युइन आईडी से हमेशा आंसर्स मिलते हैं। तो इसको चेक करने के लिए कोरा ने एक सिस्टम बनाया है, उसका नाम है कंटेंट मॉडरेशन, जिसमें अपवोट और डाउनवोट आते हैं। अपवोट मतलब लाइक, डाउनवोट मतलब डिसलाइक। आप किसी भी क्वेश्चन को अपवोट कर सकते हैं या डाउनवोट कर सकते हैं, और ये उसकी रैंक को सही करेगा या खराब भी करेगा। आप किसी भी आंसर को रिपोर्ट कर सकते हैं, और ये किसी भी आंसर की क्वालिटी मेंटेन करके रखता है, या फिर आप किसी आंसर को सुजेस्ट कर सकते हैं, सुजेस्ट एडिट्स। इसमें आप उस आंसर को थोड़ा और इम्प्रूव करके दिखा सकते हैं, और ये जो एडिट्स हैं, ये आपको और क्वेश्चन पूछने वाले को दोनों को शो होंगे। कोरा ने टाइम के साथ कुछ और भी फीचर्स ऐड किए हैं। जनवरी 2013 में कोरा ने ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जहां पर राइटर्स उन चीजों का आंसर दे सकते हैं या उन चीजों का ब्लॉग लिख सकते हैं जिनके क्वेश्चंस काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। मार्च 2013 में फुल टेक्स्ट सर्च का ऑप्शन कोरा ने ही दिया था। नवंबर 2013 में इसने स्टैट का फीचर इंट्रोड्यूस किया, जिसमें आपके आंसर को कितने व्यू मिले हैं और कितने लाइक मिले हैं, इसका एक स्टैट आपको जरूर मिल जाएगा। अप्रैल 2016 में कोरा ने एडवर्टाइजमेंट फीचर भी अपने वेबसाइट पे लॉन्च कर दिया, जिससे वो थोड़ा रेवेन्यू भी कमा रही है। इंग्लिश के अलावा और भी कई लैंग्वेज में कोरा की वेबसाइट है, जैसे अक्टूबर 2016 में ये स्पेनिश वर्जन में लॉन्च की गई, वहीं 2017 में फ्रेंच में, मई 2017 में जर्मन और इटालियन में, और सितंबर 2017 में जैपनीज में भी कोरा की वेबसाइट लॉन्च की गई। रेडिट, याहू आंसर और विकी आंसर की तरह ही कोरा भी कमाल की वेबसाइट है, जहां पर आपको क्वेश्चंस और आंसर्स देखने को मिलते हैं, और ये एक ऐसी वेबसाइट है जो टाइम के साथ लगातार ग्रो कर रही है, और ग्रोथ के साथ साथ इसकी फंडिंग में भी इजाफा हो रहा है। जैसे कि मार्च 2010 में इसने 11 मिलियन का फंड इकट्ठा किया बेंचमार्क कैपिटल के साथ, मई 2012 में एडम डी एंजेलियो और पीटर थील के साथ 50 मिलियन का फंड रेज किया, अप्रैल 2014 में 80 मिलियन का फंड रेज किया टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट के साथ, और इसका इवेल्यूएशन भी 900 मिलियन के पार पहुंच गया। अप्रैल 2017 में ठीक 3 साल बाद 85 मिलियन का फंड इकट्ठा किया, और इसका वैल्यूएशन हुआ 1.8 बिलियन डॉलर्स में। देखा आपने, ये काफी प्रॉफिटेबल वेबसाइट है। पर टाइम के साथ साथ कोरा ने बहुत से चेंजेस भी किए, और इसमें कई सारे प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस हुए, जिसमें टॉप राइटर प्रोग्राम एक है। सो होता क्या है कि कोरा अपनी कम्युनिटी को जो क्वेश्चंस को आंसर करती है, उनको एनकरेज करने के लिए कि वो वैल्यूएबल कंटेंट लिखते रहें, इसके लिए टॉप राइटर प्रोग्राम भी चलाती है, जिसमें वो टॉप राइटर को इनवाइट करती है कई इवेंट्स में, या फिर उन्हें गिफ्ट करती है ब्रांडेड कपड़े और बुक्स, जिससे उनका भी डेवलपमेंट हो सके। मैंने भी कई आंसर लिखे हैं कोरा पे, और 2017 में मुझे ये ईमेल आया था जहां पर कोरा ने मेरी तारीफ भी की थी। अगर टॉप राइटर्स की बात करें तो कोरा की कम्युनिटी में बराक ओबामा, हिलेरी क्लिंटन, जिमी वेल्स और रिचर्ड ए मुलर की तरह ही और भी कई सारे टॉप राइटर्स हैं जो कि आपको आंसर करते हैं। जी हाँ, बराक ओबामा भी। तो ये था कुछ बेहतरीन नॉलेज कोरा के बारे में जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था इस वीडियो के दौरान। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये नॉलेज पहुंच सके। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकन भी दबाएं, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।